नमस्कार, आप देखे राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की और राजगढ़ जिले की राजगढ़ विधानसभा। राजगढ़ विधानसभा में भी इस बार चुनाव है 2023 का। जो माहौल है, तमाम नेता तैयारी कर रहे हैं। जनपद सदस्य आज भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं राजगढ़ जिले के। बात करेंगे क्या विधानसभा को लेकर और क्या नाम है, कहाँ से आए, क्या नाम है? बलराम सिंह रोहेला जी, राजगढ़ जिले से आए हम जी। और राजगढ़ विधानसभा के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। कौन सी बार से चुनाव जीत के आए? वार्ड 10 से। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? राजगढ़ का जो चुनाव हारी थी भाजपा, क्या कारण है उसके? उसका कारण तो बहुत है जी। कुछ पार्टियों की गलतियां हैं जी, और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं उस चुनाव के अंदर जी। इस बार क्या स्थिति है रोहिला जी आपकी विधानसभा में? अब इस बार भी माहौल तो वही है, लेकिन गुजरात पेडल पर अगर जो भाजपा चली है तो फिर भाजपा आ सकती है। अगर पुराने चेहरों पर चलेगी तो नामुमकिन है। क्या स्थिति है, किन लोगों को टिकट मिलना चाहिए? बहुत सारे लोग वहाँ से टिकट मांग रहे हैं राजगढ़ विधानसभा, क्योंकि कांग्रेस का विधायक है, कई लोग टिकट मांग रहे भाजपा से। भाजपा से बहुत सारे टिकट मांग रहे हैं, वैसे 10-15 उम्मीदवार है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि युवा को ही टिकट दे तो ही भाजपा वहाँ से निकल पाएगी। जैसे अभी हमने जनपद में भी देखा है, युवा ही जनपद अध्यक्ष बना है, युवा ही जैसे हम युवा जनपद में हमारे साथी दीराव सिंह तंवर भी भाजपा से चुनाव जीते, जनपद से भी चुनाव जीते, अध्यक्ष की भी तैयारी थी उनकी, लेकिन इस बार वो विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि युवा को ही टिकट मिले। दीराव सिंह को अगर तंवर साहब को टिकट मिलता है तो क्या सीट जीत जाएंगे वहाँ से? बिल्कुल जीतेंगे 100%। आज आप बीजेपी कार्यालय पहुँचे, किन किन नेताओं से विषय में चर्चा की? कुछ नेताओं से चर्चा हुई, उनके बारे में भी चर्चा हुई है कि इस बार मोदी जी का भी कहना है कि गुजरात पोर्टल पे ही मध्य प्रदेश में चलेगा, तो राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला भी युवाओं के हाथ में कमान रहेगी, तो जरूर बीजेपी आएगी। विधानसभा के लिए आपने किन क्या मांग है, आपको किसको टिकट मिलना चाहिए? वैसे दरियाव सिंह तंवर हमारे साथी, हमारे बीच का व्यक्ति है जी, तो उनको ही मिलना चाहिए। टिकट मिलेगी क्या, चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल 100%। आप कैसे देखते हैं क्षेत्र में, आप भी क्षेत्र में जा रहे होंगे, जनपद का चुनाव जीत के आए तो काफ़ी आपको जानकारी होगी, क्या माहौल इस बार विधानसभा में? युवाओं की हर जगह जहाँ भी देखो युवा का यही चर्चा चल रही है, युवा ही टिकट मिले तो जीत पाएंगे, नहीं तो नामुमकिन है। फिर वही कांग्रेस। क्या नाम लिखते पूरे? बलराम सिंह रोहेला, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 10 राजगढ़। बलराम सिंह रोहेला जी आए हैं राजगढ़ विधानसभा के लिए, ने तमाम नेताओं से चर्चा भी की, बड़े नेता बैठे हैं आज बीजेपी कार्यालय में। बात रखिए कि दरियाव सिंह तंवर को अगर टिकट मिलती है, जो जनपद सदस्य का चुनाव जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा वहाँ से राजगढ़ से सीट निकाल लेगी। क्यों मांग उठ रही है? पिछली बार भी देखा था तमाम लोग आए थे, इस बार भी आए हैं, कुछ ना कुछ माहौल है उस बार राजगढ़ विधानसभा सीट में। टुडे हमारे साथ नीव इसका मैं रिपोर्ट, भाजपा कार्यालय भोपाल।